देखो गल ये है कि जेड़ा यूसीसी दे उत्ते आम आदमी पार्टी दे संदीप पाठक जी ने स्टेटमेंट दिती है, उन्हें केजरीवाल का जेड़ा असली चेहरा वो देश के सामने जेड़ा वो खोल के रख दिता, क्योंकि जेड़ा व्यक्ति वक्री राजनीति की गल कर रहा सी, अज वो जिते घट गिनती की सुरक्षा की गल हुंदी है, जिते सारे देश के विच सारियां दे नाल चंगे वर्ताव की गल हुंदी है, उत्थे आम आदमी पार्टी जिहड़ी है हुण वक्री राय बीजेपी के नाल मिल के चलना चाहती है। इस करके ये जिहड़ा असली चेहरा केजरीवाल का इस बयान ने नंगा कर दिता। सिद्धांतिक तौर पर उन्होंने कहा कि असीं सपोर्ट करदे हां जी, अकाली दल की स्टैंड? देखो श्रोमणी अकाली दल का बड़ा स्पष्ट स्टैंड है कि साडा जिहड़ा देश है बहुत धर्मी देश है, बहु भाषाई देश है, बहुत सारिया कौम सारिया मिलजुल के इस देश के विच रहिंदियां, एक बड़ा अच्छा गुलदस्ता है और यही साडे देश की खूबसूरती है और यही साडी असली जिहड़ी है उस स्ट्रेंथ है। जदों ये देश का संविधान बनिया सी ते जिहड़े फौजदारी कानून है वह तो पहले ही सारे देश के विच चाहे कोई धर्म होवे कोई कास्ट होवे कुछ होवे सारिया के उत्ते एक ही लग्या, पर जिहड़े परसनल कानून हैगे आ परसनल लॉस हैगे आ वह वक् वक् धर्मां दे जिहड़े धार्मिक ग्रंथ है उन्हां दीआं रूट्स उन्हां दे विचों होण करके वह उहदे मुताबक रखे गए सी। हुण जिस तरीके सरकार जल्दबाजी दे विच यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करदी है मैं समझदा इहदे नाल देश दे विच बेविश्वासी भी वधेगी, बेचैनी भी वधेगी और अमन शांति भी साडी जिहड़ी है वह डिस्टर्ब होगी, क्योंकि जदों संविधान बनिया सी उस वेले फ्रीडम ऑफ रिलीजन नूं उत्ते रख्या गया सी, उस वेले भी मंग उठी सी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिहड़ा इहनूं जिहड़ा फंडामेंटल राइट बनाया जाए, पर यह नहीं सी बन सकिया क्योंकि उन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन नूं वध अहमियत दित्ती सी। इस करके इहनूं डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जिहड़ा संविधान दा जिहड़ा पार्ट फोर है उहदे विच रख्या गया। जिहड़ा साडा 21वां लॉ कमीशन है उन्हें 2016 तो लैके जिहड़ी लोगों की राय ली सी इस इशू के उत्ते 75,000 तो वध रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कोल गईयां सी। लॉ कमीशन ने भी बड़ा क्लीयर कहा कि यह ना फिजिबल है ना डिजायरेबल है, कि ना यह हो सकता ना यह करना ही चाहिए। इस करके मैनू नहीं समझ आती कि हुण नवें सिरे लॉ कमीशन कोलों फिर उस पासे फिर दोबारा जदों पिछले लॉ कमीशन ने कंसल्टेशन पेपर तैयार किया और उन्हों का सुझाव बहुत वधिया है कि जे कोई परसनल लॉ जिहड़ा उहदे विच कोई डिस्क्रिमीनेशन भेदभाव नज़र आउंदा तो उस पर्टिकुलर लॉ दे विच अमेंडमेंट कर लेनी चाहिए, ये गल वाजिब है, पर सारे जिहड़े परसनल लॉ आ वक् वक् धर्मां दे उन्हां नूं खत्म करना यह वाजिब नहीं होएगा। बहुत सारे कबीले ने देश दे विच जिहड़ां दे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दे विच उन्हां दे बड़े वक्रे वक्रे रीति रिवाज आ, इस करके सारियां नूं नाल लै के चलने की लोड़ है। अगे साडे देश के उत्ते कई जिहड़ियां विदेशी ताकतां उंगलां उठा रही ने, यह उन्हां लोकां नूं होर मौका मिलेगा सानूं इंटरनेशनल लैवल ते भड़न दा। देखो असीं खुल के इहदे खिलाफ़ जिहड़ी आ विस्तार दे विच अपनी राय जिहड़ी आ उह बना के भेजांगे, क्योंकि मनोरिटीज़ दे राइट्स दा मसला, इस करके अकाली दल हमेशा ही घट गिनतियां दे हक्कां वास्ते संघर्ष करदा रहा। इस करके असीं देश दी सरकार नूं ला कमीशन नूं जो साडी वाजिब राय है असीं देश दे हित दे विच जिहड़ी राय है वह असीं जिहड़ी आ बड़े विस्तार दे विच अपनी पार्टी की मीटिंग करके विस्तार से लिख के भेजा। नहीं असीं इहदे हक च नहीं है, मैं तो क्लीयर कट किया कि क्योंकि देश दे हित च नहीं है, इस करके असीं इहदे हक च नहीं। जिहड़ी चीज़ साडे समाज दे विच दुविधा पैदा करे बेचैनी पैदा करे बेविश्वासी पैदा करे उहनूं करन दा कोई लाभ नहीं है, इस करके अनसैसरी जल्दबाजी के अपना लॉ कमीशन 21वां कह रहा कि यह डिजायरेबल नहीं है तो फिर क्यों जल्दी करनी। इस करके सारू लैके चलन की कोशिश होनी चाहिए है, यही इस करके ही ये देश उन्हें जोड़ा लैवल पर बनाया गया से उस तरह ही चलना चाहिए।